नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम प्रिपरेशन पर। तो दोस्तों, आज अपना जो टॉपिक है वो है एरिया ऑफ रामबस सम चतुर्भुज द क्षेत्रफल। चल दें जी आज इस टॉपिक पे। हाँ जी, आज आप पढ़ेंगे सम चतुर्भुज। सब तो पहला आप डायग्राम देख दिए जी, ये डायग्राम है। सम का मतलब होंगे समान, ठीक है। सम का मतलब होंगे समान, चतुर का मतलब होंगे चार, भुज का मतलब होंगे पजामा, ठीक है। अजि चतुर्भुज जिदिया चार पजामा बराबर होने आप सम चतुर्भुज या रामबस कहने हैं। हाँ जी, इतने जी ए बी साइड है वो बी सी की इक्वल है, सी डी दे ए डी दे, ये चार पजामा आपस में इक्वल है। हाँ जी, पहली जी प्रॉपर्टी तुम्हें ध्यान रखनी है, सम चतुर्भुज दी जी चार पजामा वो समान होंगे, ठीक है जी। सम चतुर्भुज दिया सारिया पजामा वो होंगे समान जी। दूसरी जी गल ध्यान रखनी है, ये दो विकरण होंगे, एक ए सी विकरण है तो दूसरा विकरण अपने को बी डी विकरण है, ठीक है जी। दोनों विकर्ण एक दूजे को सम विभाजित करते हैं, ठीक है जी। दोवें विकर्ण एक दूजे को सम विभाजित करते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, किस से करते हैं जी? ये 90 डिग्री से करते हैं जी। इतने भी 90 डिग्री होएगा जी, ठीक है जी। इतने भी 90 डिग्री होएगा, इतने भी 90 डिग्री होएगा, तो ये सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, 90 डिग्री से, ठीक है जी। ध्यान रखना है, यहाँ दो मेन प्रॉपर्टी है। तीसरी गल ध्यान रखनी है, जोड़े विकर्ण है वो इक्वल नहीं होंगे गए सम चतुर्भुज के, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, विकर्ण आपस में इक्वल नहीं होंगे। जे विकर्ण ए सी ते बी डी इक्वल हो जाए तो ए वर्ग बन जाएगा। की बन जाएगा जी? ये वर्ग बन जाएगा, ये ध्यान रखना जी। हाँ जी, हम गल करते हैं सम चतुर्भुज के खेत्रफल की। सम चतुर्भुज का खेत्रफल होंगे एक बटा दो गुणा पहला विकर्ण, विकर्ण डायगनोल कह दें, डायगनोल डी नाल डिनोट किया जाता है, पहला विकर्ण जिन्होंने डी वन कहेंगे गुणा दूसरा विकर्ण जिन्होंने डी टू कहेंगे, ठीक है जी। इस तरीके दे नाल सम चतुर्भुज का खेत्रफल निकलता है। फार्मूला ध्यान रखने जी, यह दूसरा फार्मूला अपने को सम चतुर्भुज का परमाप, परमाप कर क्ढन का जो फार्मूला है वह है जी चार गुणा भुजा, ठीक है जी। चार गुणा भुजा, चार पजामा बराबर होंगे या कह लो चार पजामा का जोड़ वो परमाप के बराबर होगा। हाँ जी, तीसरा है जी, जो आप विकर्ण दिते हो तो भुजा पता करनी हो उदो आप फार्मूला लगाना जी। पहला विकर्ण बटा दो उदा होल स्केयर करना है प्लस दूसरा विकर्ण बटा दो उदा होल स्केयर, ठीक है जी। तो सारे का की कर देना आप स्केयर रूट वर्ग मूल करना जी। ये आप पूजा कढ़ने का जो अपना फार्मूला है, ठीक है जी। इन्ह मैथड्स के नाल कि सवाल बनते हैं अगे आप उन्होंने चर्चा करते हैं जी। हाँ जी, अज का अपना पहला सवाल है जिद दसया गया है भी एक सम चतुर्भुज है वो विकर्ण देते क्रमवार 16 सेंटीमीटर तो 12 सेंटीमीटर हैं, तो सम चतुर्भुज का आप खेत्रफल पता करना है। पहली ऑप्शन अपने को हैगी है जी 95 सेंटीमीटर स्केयर, दूसरी हैगी अपने को 96, तीसरी 97 तो डी हैगी अपने को 100 सेंटीमीटर स्केयर। हाँ जी, आप फार्मूला लगावेंगे सम चतुर्भुज का खेत्रफल। अपन फार्मूला पता है जी, एक बटा दो गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, वैल्यू पुट करा जी। एक बटा दो पहले विकर्ण अपने को दिता हुआ उन्होंने 16 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो दूसरा अपने को दिता हुआ 12 सेंटीमीटर। हाँ जी, कैंसल करांगे जी, अपने को आ जाएगा 8, तो 12 से 8 की मल्टीप्लाई करांगे अपने को आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्केयर, ठीक है जी। तो राइट आंसर बन जाएगा अपने को बी। दूसरे सवाल में अपन दसिया गया कि एक सम चतुर्भुज का खेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्केयर है, इसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो सम चतुर्भुज का आप परमाप पता करना है, ठीक है जी। परमाप का फार्मूला अपन पता है चार गुणा भुजा होंगे जी, पर अपने को भुजा नहीं हैगी, पहले आप भुजा पता करा। इस सवाल में पता करा भुजा, पूजा पता करने तो पहला आपां खेत्रफल का फार्मूला लगावेंगे। आपां नूं खेत्रफल देता जी, इन्होंने खेत्रफल देता 216 सेंटीमीटर स्केयर, तो आपां नूं पता सम चतुर्भुज का खेत्रफल होंदा जी एक बटा दो गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, ठीक है जी। हाँ जी, वैल्यू पुट करांगे, एक बटा दो पहला विकर्ण आपां नूं दित्ता होया 24, तो दूसरा विकर्ण आपां निकाल लांगे जी इस तरीके दे नाल, कैंसल करांगे जी 12 आ जाएगा, तो डी टू बराबर 216 बटा 12, कैंसल करांगे जी 12 एकम 12 पिछे 9 रह गए 96, 12 8 96, अपने को दूसरा विकर्ण आ गया जी 18 सेंटीमीटर। हाँ जी, जो अपने को दोनों विकर्ण दिते हो तो आप भुजा कढ़ सकते हैं, अपने को फार्मूला है भुजा कढ़न का, सम चतुर्भुज की भुजा वो किवें निकलेगी, पहला विकर्ण बटा दो उहदी होल स्केयर प्लस दूसरा विकर्ण बटा दो उहदी होल स्केयर ते सारे का वर्गमूल। हाँ जी, वैल्यू पुट करांगे, पहला विकर्ण आपां नूं 24 दिता होया सीगा, 24 बटा दो उहदा होल स्केयर
दूसरा विकर्ण आपका कट लिया 18 बटा 2 ओदी होल स्केयर थे सारे 10 स्केयर रूट। हाँ जी कैंसिल करांगे 12 12 दी स्केयर 144 कैंसिल करांगे अपने को आ जाएगा 9 9 दी स्केयर 81 प्लस करांगे अपा 5 225 225 दा स्केयर अपने को होंगे जी 15। ठीक है जी 15 सेंटीमीटर पूजा आ चुकी है। सवाल पूछा गया अपन परिमाप, परिमाप का जरा फार्मूला अपन पता है जी 4 गुणा पूजा होंगे जी, तो 4 पूजा की वैल्यू अपने को है जी 15 तो 15 64 सेंटीमीटर। ठीक है इस सवाल का राइट आंसर बनेगा जी सी। सवाल नंबर 3 दसया गया कि एक सम चतुर्भुज है वह अपन परिमाप दे दिता गया 146 सेंटीमीटर तो इसका एक विकर्ण 55 सेंटीमीटर है तो दूसरा विकर्ण आप पता करना है जी। ऑप्शन दिखाई हुई हैं पहली 92 दूसरी 48 तीसरी 64 तो चौथी ऑप्शन अपने को 36 सेंटीमीटर। हाँ जी सब तो पहला अपन दिता गया जी परिमाप, परिमाप दिता गया अपन 146 सेंटीमीटर जी। परिमाप का फार्मूला अपन पता है जी 4 गुणा पूजा होंगे जी सम चतुर्भुज का। पूजा अपन निकाल लेंगे जी, पूजा 146/4 कैंसिल करांगे जी, ये कैंसिल हो जाएगा अपने कोल 7 3 73 ते थले हो जाएगा 2 ते। हाँ जी पूजा की जी वैल्यू अपने कोल वो निकल के आ जाएगी 36.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। हाँ जी जो अपन पूजा दिती हो विकर्ण ना संबंध जो फार्मूला अपन पता है जी पूजा जी होंगी है वह बराबर होंगी है पहला विकर्ण बटा 2 ओदी होल स्केयर प्लस दूसरा विकर्ण बटा 2 ओदी भी होल स्केयर दा की बन जाएगा जी स्केयर रूट वर्गमूल। पूजा की वैल्यू अपने को 36 पॉइंट है जी 5 है जी वो लिख लेंगे तो जरा इधर वर्गमूल है इधर आके वर्ग हो जाएगा। हाँ जी D1 की वैल्यू लिखा अपन दी हुई है पहले विकर्ण की 55 55 बटा 2 आ जाएगा यदि स्केयर बन जाएगी तो दूसरा विकर्ण आप पता करना है जी D2 बटा 2 दी होल स्केयर। हाँ जी 55 बटा 2 जो इन आप सोल्व करा तो यह बन जाएगा 27.5 दी स्केयर। हाँ जी 36.5 उमें आ जाएगा जी इधर यदि स्केयर। हाँ जी 27.5 बनेगा ये इधर आके बन जाएंगे माइनस दे 27.5 दी स्केयर अपने को आ जाएगा जी D2 दी स्केयर बटा ओपन करा 2 दी स्केयर होंगे 4 2 दा वर्ग 4। हाँ जी इस अपने को फार्मूला लग जाएगा, फार्मूला कड़ा लगेगा जी A² - B² का फार्मूला 1 करी प्लस 1 करी माइनस। हाँ जी 1 करी आप प्लस करा तो 1 करी माइनस करा 36.5 का आप प्लस करा 27.5 के नाल 1 करी माइनस करा 36.5 - 27.5 बराबर अपने को आ जाएगा D2 बटा 4 तो आ जाएगा जी होल स्केयर D2 दा स्केयर बटा 4। हाँ जी प्लस करा अपने को आ जाएगा जी 64 माइनस करा 36 - 27 माइनस करा 9। हाँ जी 4 इधर ही आ जाएगा 4 इधर आके गुणा हो जाएगी इजिकल टू D2 दा स्केयर ए स्केयर इधर आके स्केयर रूट बन जाएगा वर्गमूल बन जाएगा। 64 का जोड़ा वर्गमूल 8 होंगे जी 9 का 3 होंगे जी 4 का अपने को 2 होंगे तो दूसरे विकर्ण की वैल्यू अपने को 3 6 6 8 48 48 इस वाल उत्तर बनेगा जी अपने को। ठीक है जी दूसरे विकर्ण की वैल्यू अपने को 48 सेंटीमीटर आए। ठीक है जी का राइट आंसर बनेगा अपने को बी। सवाल नंबर 4 के दसया गया है एक सम चतुर्भुज का परिमाप है जो 20 सेंटीमीटर है तो वह विकर्ण देता अपन 8 सेंटीमीटर तो वह खेत्रफल पता करना है। ठीक है जी सब तो पहला अपन दिता हुआ उन्होंने परिमाप, परिमाप दिता हुआ है जी 20 सेंटीमीटर तो परिमाप का फार्मूला 4 गुणा पूजा होंगे जी कैंसल करा जी 5 तो कैंसल हो जाएंगे तो पूजा की जी वैल्यू है अपने को आ जाएगी जी 5 सेंटीमीटर। हाँ जी दूसरा अपन पता है जो पूजा दे दें तो पूजा का जो फार्मूला है वह होंगे जी D1 दी स्केयर D2 बटा 2 ओदी भी स्केयर तो सारे का वर्गमूल। पूजा अपने को 5 आ चुकी है तो जोड़ा वर्गमूल है इधर आके वर्ग हो जाएगा D1 की वैल्यू अपन दी हुई 8 तो D2 अपन निकाल लेंगे दूसरा विकर्ण। हाँ जी सोल्व करा ये बन जाएगा 4। हाँ जी 5 की स्केयर करा 25 4 की स्केयर करा 16 16 इधर आके माइनस दे हो जाएंगे। ठीक है जी तो D2 दी स्केयर बटा इतने बन जाएगा 4 सोल्व करा जी अपना 25 चो 16 माइनस किए 9 4 भी इधर आ जाएगा तो D2 दा स्केयर स्केयर है जोड़ा इधर आके स्केयर रूट हो जाएगा जी 9 चौका 36 हो जाएगा तो D2 की जी वैल्यू अपने को दूसरे विकर्ण की वो आ जाएगी 6। आप पता करना जी खेत्रफल
क्षेत्रफल का फार्मूला होंगे 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। वैल्यू पुट करा जी, पहले विकर्ण की जी वैल्यू अपन दी हुई 8, दूसरे की आप 6 निकाली, कैंसल कर लेंगे जी, 8 की 3 मल्टीप्लाई करा तो अपने को आ जाएगा जी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल जो राइट आंसर बन जाएगा जी बी। सवाल नंबर 5 के दसया गया है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण है वह 24 सेंटीमीटर से 32 सेंटीमीटर हैं, यह परमाप पता करना है। परमाप पता करने तो पहला परमाप का फार्मूला पता है जी, अपन 4 गुना भुजा होंगे, ठीक है जी। परमाप पता करने तो पहला अपन पता करना पड़ेगी भुजा, ठीक है जी। वह फार्मूला अपन पता है D1 वो होल स्केयर, D2/2 वो होल स्केयर, ये सारे का वर्गमूल। हाँ जी, D1 अपने को हैगी है जी 24/2 वह होल स्केयर, 32/2 वह होल स्केयर, तो सारे का वर्गमूल। हाँ जी, कैंसल करा चो 12 12 की स्केयर 144, कैंसल करा जी 16 16 की स्केयर 256, प्लस करा 400 144 के 256 जोड़ा 400, 400 का वर्गमूल होंगे जी 20, ठीक है जी। अपने को भुजा आ गई जी 20 सेंटीमीटर, तो आप पता करना परमाप इस वाले परमाप का फार्म होंगे जी 4 गुना भुजा, तो 4 भुजा की वैल्यू 20 अपने को, आंसर आ जाएगा अपने को 80 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इस सवाल का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ए। मैंने उम्मीद है अज का सैशन तुम्हें पसंद आया होगा, धन्यवाद।